नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेज फूड चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम खेत में आए हुए हैं दोस्तों सब्जी लेने के लिए, तो ताज़ी सब्जी लेकर चलेंगे, उसी की हम बनाएंगे रेसिपी। तो आप लोग वीडियो को मेरे अंत तक देखते रहिएगा कि आज हम खेत से कौन सी सब्जी लेंगे। तो मैं खेत में आ चुकी हूँ, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारा सब्जियों की खेती किया गया है दोस्तों। तो एक सब्जी मैं यहाँ से लूँगी, तो देखिए दोस्तों, यह बजरबट्टू का पेड़ है और उसका फूल देखिए इस तरीके से होता है, इसको बोड़ा भी बोलते हैं और बजरबट्टू भी बोलते हैं। आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए दोस्तों ये कैसा फरा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये फर के तैयार हुआ है। देखिए ये सभी अभी बतियाँ हैं, इनको हम नहीं तोड़ेंगे, जो अच्छे से तैयार हुए हैं उन्हीं को हम तोड़ेंगे। तो पहले आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कितना अच्छे से, देखिए बोड़ा कितना अच्छे से लटक रहा है। सुबह के टाइम में ही सब्जियों को तोड़ा जाता है मार्केट में ले जाने, तो बहुत ही अच्छे से फर के तैयार हुआ है। देखिए पूरा बजरबट्टू ही है, आप लोग पहले देख लीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ढेर सारा तोड़ के घर पे पहुंचा दिए हैं और अभी तोड़ रही हैं भाभी जी। और इधर देखिए भिंडी बोया गया है, तो भिंडी अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों इतना सारा बोरा तोड़ा जा चुका है, ये को सुबह के टाइम में ही तोड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो 7-8 बजे तक तो एकदम अच्छे से धूप निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा धूप लगने लगती है। कितना अच्छे से देखिए बोरा फरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर दोस्तों इसको बोड़ा ही बोलते हैं। तो अब यहीं से देख करके मैं तोड़ लेती हूँ, जो तैयार हुआ है बोड़ा वही हम तोड़ेंगे। देखिए ये तैयार हो चुका है सब्जी बनने के लिए, इसकी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है दोस्तों। इतना सारा मैंने बोड़ा तोड़ लिया हुआ है अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी की हम रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी इनको लेकर के मैं चलती हूँ घर पे। तो अभी देखिए दोस्तों धूप हो गया है, तो अभी भाभी जी भी नहीं तोड़ेंगी, तो अभी हम भी चलते हैं घर पर। अभी सब्जी को हम लेकर आ गए हैं घर पर, तो सुबह का टाइम है, मैं सुबह का सारा खाना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं सब्जी को धो करके साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके साथ हम आलू भी बनाएंगे, आलू को मैं छील लेती हूँ, इसका छिलका उतार लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने 4 आलू 2 प्याज छिलकर ले लिया हुआ है, तो इनको धुलकर साफ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन का छिलका उतार लिया हुआ है, मिर्च लिया हुआ है, तो इधर मैं मसाला तैयार करूँगी। सभी सब्जी धुल करके मैंने साफ कर लिया हुआ है, तभी मैं काटूंगी इसको। इसका मैंने देखिए अच्छे से सरिया लिया हुआ है और इसको हाथ में पकड़ लिया हुआ है अच्छे से, तभी मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी। इसको आप अपने पसंद के हिसाब जितना बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं इतने बड़े साइज से इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए कितना नरम है, काफ़ी आसानी से कट जा रहा है और हरा हरा सा देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हरी सब्जियाँ जो होती है पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। आलू को चीर लेती हूँ, यहाँ पे हम पीसेंगे मसाला। सिलबट्टे को मैंने धुल के साफ कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हल्दी, तो हल्दी को मैं पीसूंगी।
यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च ये सब मैंने पीस लिया हुआ था, मैं इसमें पीसूंगी गरम मसाला। इतना से मैंने गरम मसाला लिया हुआ था, इसको पीस लेती हूँ। मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया हुआ है। कढ़ाई पर रख देती हूँ मैं चूल्हा पे। कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। तेल मेरा गरम हो गया है, तभी मैं बजी बट्टू को डाल करके तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको तेल में मैंने फ्राई कर लिया हुआ है, तभी मैं निकाल लेती हूँ। एक किनारे से कर दूंगी तो इसका जो तेल होगा वो कढ़ाई में चला जाएगा। तो अब मैं आलू डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू को मैंने फ्राई कर लिया हुआ है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तेल में हम सब्जी को भूजेंगे। तो मैंने प्याज का काट लिया हुआ है, तो प्याज का तड़का लगा देती हूँ। तो प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, तब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने धनिया नहीं पीसा हुआ है, तो मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर। देखिए मसाला मैंने अच्छे से पका लिए हुए, नीचे से इसको कढ़ाई पकड़ना है और तेल बगल बगल में छोड़ दिया हुआ है, तब मैं इसमें डाल दूँ। तो आलू और बोड़ा को मैंने मसाला में अच्छे से मिला दिया हुआ है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। आलू और बोड़ा की हम मसालेदार सब्जी बना रहे हैं, तो पानी अब हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही पानी हम इसमें रखेंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपने स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल करके कलछी से चला देती हूँ। सब्जी को मैं छोड़ देती हूँ पकने के लिए। तो इस समय देखिए दोस्तों हवा चलने लगा है, तो देखिए आग कैसे इधर उधर भाग रही है। तो सब्जी मेरी उबल रही है। सब्जी मेरी पक के तैयार हो गई है एकदम से बन करके। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी मेरी सब्जी बनी हुई है। तभी मैं कढ़ाई को उतार लेती हूँ चूल्हे से नीचे। तो सुबह का मेरा सारा खाना बन के तैयार हो गया है, तो मैं सभी खाना एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो इस कुकर में मैंने बना हुआ है चावल। तो पहले मैं चावल निकाल लेती हूँ। तो इसे मैंने दूध उबाल कर रखा हुआ है, तो दूध भी मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। और इस कटोरी में मैं सब्जी निकाल लेती हूँ। तो सब्जी मेरी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों गरम मसाले की। तो खाना मैंने थाली में निकाल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों आज के सुबह के खाने मैंने बनाया हुआ है, चावल है, रोटी है, सब्जी है और दूध है। तो सुबह का खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। तो आज का ये मेरा प्यारा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मेरे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब्जी बनाना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका सारा आप लोगों का सारा कमेंट पढ़ती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहता है। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।